नाम से पुकारते हैं तो अंदर से भी फिर भी आवाज ज्यादा आवाज आती है। ये करके दिखाएंगे जरा। हाँ जी, ये करके दिखाएंगे। आपने बताना है कि आवाज आती है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत फिर बंदे और हाथ रखे ठीक है। इधर ये शेरी तेज मारी, तेज मार इधरू लत्ता नहीं साइड तू। हाँ जी शेरी और तेज मार, तू ना हाथ मार। वो आ रही है यार, आ रही है भाई जान है तस्लीम क्या। ठीक है सर जी, आवाज आ रही है। बात ये है कि बात वो बंदे पे जो है ना, मैं बार बार ये आपसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस कुंद्रा। नाज़रीन लाहौर के एक इलाके में मौजूद हैं चून में, जहाँ पे पिछले दो दिनों से ये कहा जा रहा है कि इस कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं, इस कब्र में से धमक जो है वो महसूस होती है। दो दिन से आप देख सकते हैं कि पूरे लाहौर के जो लोग हैं, इस इलाके के लोग हैं, इस कब्र को देखने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम जो अब पुकारते हैं तो आगे से कोई इंसान जो यहाँ से जो है वो बोलते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि वाकई आवाज़ आती है भाई? ये मैं आपको खुद ही कर देना, हाथ लगाए मैं आवाज़ देता हूँ। पैरा दम रोकना भाई, सारे जोर दी मारी, आवाज़ नहीं आई थोड़ी जोर दी। धमक आ रही है, पता चल गया धमक यहाँ पे जो है वो महसूस हो रही है। इनका ये कहना है कि जब हम उनको पुकारते हैं, जब यहाँ से पुकारा जाता है तो आगे से आवाज़ आती है, धमक जो है महसूस होती है। तो ये कितने दिनों से ये सिलसिला चल रहा है? 25 तारीख का दफनाया हुआ है, ये 25 तारीख का इसको दफनाया हुआ है। ये आज 3रा दिन हो गए ये आवाज़ लगाते हैं तो अंदर से ऐसे मारना शुरू हो जाता है। ये जैसे बंदा कोमे की हालत में नहीं होता, लगता है वैसे ये कोमे की हालत में इन्होंने दफना दिया है। तो ठीक है जी, अब वो कोमा से बाहर आया कहीं तो इस वजह से वो वाजे देते हैं तो वो अंदर से मारता मुझे निकालो, वो जिंदा है तो क्या। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ से वाकई आवाज़ें आ रही हैं? हाँ जी। अच्छा सब लोग सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, आप भी ऊपर खड़े हैं, सब लोगों ने सुना, ये तसव्वुर किया, मतलब कि माना है, तस्लीम किया है, सब लोगों का कहना भी है। ये आज इतने लोगों का कहना है, कल इससे ज़्यादा लोग भी थे, उन लोगों का भी यही कहना था, लेकिन वो जो कहते हैं मतलब कि मजिस्ट्रेट से इजाज़त लें तो फिर ये काम होगा। अच्छा, आप इनके साथ काम करते थे? हाँ जी, मैं दिहाड़ी करते रहे। कैसे मौत हुई थी? उनके घर वालों से कहना था, ये इसका दिल का जो है ना गर्मी की वजह से वो उनका दिल घबरा रहा था, तो वो ऐसे हुई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पुलिस यहाँ पे आई है, उन्होंने क्या कहा इस हवाले से? इस हवाले से उन लोगों ने कहा कि आप जाएं, मजिस्ट्रेट से इजाज़त लें। ठीक है, डोलपुर वालों ने कहा कि वो माने भी हैं कि आवाज़ें आ रही हैं, मैं ये गवाही दे रहा हूँ मुसलमान, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, वो माने भी हैं, सब कुछ हुआ है। ठीक है, फिर उन लोगों ने कहा कि आप ऐसा करें, वकील करें, वकील करके तो वो आपको जज से इजाज़त लेके देगा। ठीक है, तो फिर आप कब्र कशाई कर लेना, बंदा जिंदा है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, हम कानून के। अच्छा, मुझे बताएं कि अंदर से आवाज़ें किस तरह की आती हैं? जैसे वो अंदर से ना बंदे को आजमाने के लिए किसी मतलब भारी चीज़ के पीछे कर देते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम मुक्के मारने पीछे से भाई आवाज़ आती है कि नहीं। वो नीचे से जैसे हम ऊपर खड़े हैं तो वो नीचे से ऐसे ऐसे स्लैब को मुक्के मार रहे हैं ना, तो उसके नाम से पुकारा जाता है तो फिर आगे से आवाज़। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि इनके घर वालों ने कोई केस वगैरह किया है इसकी कब्र खुशाई के लिए? हाँ जी, कब्र खुशाई के लिए किया। हाँ जी, तो क्यों नहीं पुलिस? पर्चा कह रहे हैं कि पर्चे हमारे ऊपर है। ठीक है, तो जो जाएगा उसके ऊपर भी हो जाएगा, तो जो क्यों, यही तो बात है सर जी, वो जो जाएगा उसके ऊपर भी हो जाएगा, मेरे ऊपर भी हो जाएगा। ठीक है, गुजारिश ये है कि इनका ये कहना है कि हम अपना मौकफ पेश कर रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं। इनका ये कहना है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, इसको जो है चेक किया जाए या कब्र खुशाई की जाए कि वाकई ऐसे अंदर से आवाज़ आ रही है नहीं। तो इनका ये कहना है कि मुझे ना कोई गिरफ्तार करके ले जाए। ये कहते हैं कि बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है आती है और लोगों को बिठा के ले जाए, ऐसे ही है। हाँ जी, तो मैं यही बात करना, चेक कराए ना अगर ये जो है ना जी सर, अगर ये अब इतने मुसलमान हैं ये बात को तस्लीम कर रहे हैं। अच्छा, इस बात को मानते हैं कि आवाज आ रही है? ऊंची आवाज बताया ना, हाथ उठा कह सकता है आवाज आ रही है? अब कोई हाथ उठा सकता है? हाँ जी, इतने लोग हमारे, अब मेरा कहना ये है, मेरा ये कहना, सब मुसलमानों का ये कहना है कि हम एक नबी की उम्मत होने के नाते हमने भी सब ने एक कलमा पढ़ा है। अगर आवाज़ आ रही है ठीक है, हमें महसूस हो रहा है, महसूस से हटकर हमें तस्लीम हो चुका है ठीक है,
तो ये कब्र शही की जाए, पर्दे में की जाए, इससे थोड़ा सा मराद मालूम किया जाए। अगर अल्लाह पाक भी अपना राह मतलब के कुछ करिश्मा अच्छा। दिखाना चाहता है तो वो उनको देखे। अच्छा, आप जब नाम से पुकारते हैं तो अंदर से भी फिर भी आवाज ज्यादा आवाज आती है, ये करके दिखाएंगे जरा। हाँ जी, ये करके दिखाएंगे। आपने बताना है कि आवाज आती है कि नहीं। हाँ जी हाँ जी, बहुत फिर बंदे और हाथ रखे ठीक है। इधर ये शेरी तेज मारी, तेज मार इधरू लत्त वाली साइड तू। हाँ जी शेरी और तेज मार, तू ना हाथ मार। वो आ रही है यार, आ रही है भाई जान है तस्लीम के। ठीक है सर जी, आवाज आ रही है। बात ये है कि बात वो बंदे पे जो है ना, मैं बार बार ये आपसे कह रहा हूँ कि अब मैंने आपको मौका पेश किया है, मैंने तो देखा है, तस्लीम में किया है, माना है ठीक है, मेरा रिश्तेदार नहीं है लेकिन मुसलमान उमती भाई है ठीक है। हमें ये बात का दर्द होना चाहिए, हमें इसकी कब्र कुशाई की जाए ठीक है। तो सब लोगों की भी अपील है, हमारी भी है, मेरी भी है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई अलामा या हज़रात यहाँ आए हैं, खाना साहब काफ़ी आए हैं, बाकी किसी का जो है ना बस में नहीं है ठीक है। मैं तो अपनी बात जानता हूं कि मैंने देखा है, मुझे आवाज़ सुनाई दी है ठीक है ना, जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दिया है, मुझे किसी का डर नहीं है। जो मैंने सुना इंसानियत के नाते पे, ये हमारे साथ भी हो सकता है ठीक है ना, आवाज़ आ रही है। आपने किस तरह की आवाज़ जैसे आवाज़ देते हैं, आगे से धमक आती है, जैसे कोई चीज़ को उखाड़ रहा होता है कि मुझे निकालें, आगे अल्लाह को बेहतर पता है ठीक है ना। ये वैसे कब्र कुशाई होनी चाहिए ठीक है ना। हाँ जी, बात करने का ये मतलब कि जैसे हमने ऊपर वजन डाला हुआ है, वो उनका पता है इस बात का, वो सुन रहा है। इतना टाइम हो चुका है अभी तक, क्या उसके साथ बन रहा है या क्या नहीं है, ये जल्दी से जल्द इसको जो है ना इसको करना चाहिए, मसला हल होना चाहिए जी। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जाए तो फिर तो ले जाए, कोई बात नहीं, हम भी इंसान है, जो अंदर है वो भी इंसान है, वो जिन तो नहीं है ना। पुलिस क्या है, पुलिस भी हमारे तफस के लिए है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, नहीं ये तो देखे गुनाह तो नहीं है, ये जितने लोग आए हुए हैं ये देख रहे हैं ना हकीकत, देखे ना ये भी मुसलमान ही है ना इसके अंदर कवर में ठीक है ना। पता नहीं किस हाल में है। हाँ जी, इसका मसला हल होना चाहिए। इतने लोग आ रहे हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर, तो पुलिस को नहीं चाहिए कि मुकम्मल तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और कब्र खुशाई की जाए ताकि ये मामला हल हो सके। देखे जी, पुलिस को भी चाहिए बिल्कुल, जैसे हम आते हैं देखे, हर बंदा जो है ना खौफ में है, कोई इसको नहीं छेड़ना नहीं चाह रहा ताकि मेरे साथ कोई मुश्किल पेश ना आ जाए ठीक है ना। तो ये जो अंदर है ये भी इंसान है ठीक है ना। बाकी मैं हकीकत जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है ठीक है, मैं तो अचानक आया हूँ रश दे के, मैंने देखा है अंदर से आवाज़ दी है, बाहर से अंदर से ठक 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 की आवाज़ आ रही है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है इसमें क्या मामला था। अच्छा नाज़रीन, एक मतलब फिर मैं आपको ये जितने भी लोग हैं इनसे पूछ के बताता हूँ, आवाज़ आ रही है भाईजान, आवाज़ आ रही है भाईजान। नाज़रीन ये लोगों का मौक़िफ़ है, इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है, और इनका ये कहना है कि कब्र खुशाई की जाए, जो भी मामलात हैं जो हकायक हैं वो सामने लेके आए, और इनका ये कहना है, इनका ये कहना है खुशाई भी की जाए, हमारी बचाई भी की जाए, और ये मुसलमान की तड़प को समझा जाए, जाना जाए, इनका राज मालूम किया जाए, पर्दे में किया जाए, जैसे भी किया जाए ठीक है। ये कहना है कि मैंने अपना मौक़िफ़ दिया है, ये ना हो कल पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले जाए, इसकी कोई गलती नहीं है, अगर गिरफ्तार करना हुआ तो ये सारे लोग जो गवाही दे रहे हैं फिर वो भी गिरफ्तार होंगे, लेकिन किस बुनियाद के ऊपर होंगे ये मुमकिन नहीं है। तो नाज़रीन ये देखते हैं कब तक ये मामला हल होता है, इसी चीज़ का हम इंतज़ार करेंगे, देखते रहें, अल्लाह हाफिज़।